चमत्कारी समय हम पहुंचे हैं दीग विकास खंड के ग्राम पंचायत फुलवरिया ऊपरवार की गौशाला में। ग्राम पंचायत फुलवरिया ऊपरवार की यह गौशाला है। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर हम इसलिए यहाँ पहुंचे हैं कि विशेष पूजन का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता रहा है। हालांकि हाल के दिनों में शासन की मंशा के तहत गायों की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। खासतौर से जन्माष्टमी के मौके पर समूचे क्षेत्र का नजारा इस गौशाला के आसपास की तस्वीरें देख सकते हैं। वृंदावन का नजारा है और यहाँ के गौ सेवक ग्राम प्रधान हैं देवी प्रसाद यादव। तस्वीरों में देख सकते हैं ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी गौशाला के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है और इसके अगल बगल का समूचा इलाका आप देख सकते हैं। गौशाला के अगल बगल का वृंदावन के जैसा नजर आता है और गायों की सेवा भी दीप के अन्य तमाम गौशाला या यह कह लीजिए कि जिले की तमाम जो गौशालाएं हैं उनकी अपेक्षा इस गौशाला की चर्चा इसलिए होती है कि ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव फुलवरिया के ग्राम प्रधान गौ सेवक के रूप में यहाँ अपने सहयोगियों के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? बनारसी। बनारसी है। और आप माताजी आपका क्या नाम है? गुना। आप गुना देवी। गुना देवी, ये लोग लगातार यहाँ गायों की सेवा करते रहे हैं और यही कारण रहा है कि जनपद की तमाम गौशालाओं की अपेक्षा ग्राम पंचायत फुलवरिया की गौशाला अपने आप में कहानी बयां करती है। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर शासन की मंशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश के गौशालाओं में गायों की पूजा हो रही है, गौ माता की। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण को गायें पसंद थी। गायों के साथ उनका बचपन से लेकर समूचा जीवन जुड़ा रहा और आध्यात्म कर्म के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं गौ माता की प्रेरणा, इन्हीं की संगत के साथ जो लीलाएं रची, जो लीलाएं की, वो वाकई में गीता के महान संदेश के रूप में हम सभी के सामने है। तो किस तरह हुई है फुलवरिया ग्राम पंचायत में गौ पूजन, क्या कुछ हुआ है इस गौशाला में, आइए देखते हैं आज की इस लाइव खबर में। फुलवरिया की गौशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर गाय ने जना बछड़ा, नाम पड़ा कृष्णा। जी हाँ, यह तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत फुलवरिया में गौ पूजन का। कृष्ण जन्माष्टमी पर शासन की मंशा के तहत गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया ग्राम पंचायत फुलवरिया की गौशाला में। इस दौरान ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह चौहान समेत यहाँ की गौशाला के गौसेवकों ने विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौ माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन संपन्न कराया। फुलवरिया के ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव हैं। देवी प्रसाद यादव पिछले कई वर्षों से गौ सेवक के रूप में गायों की सेवा करते रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा है ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह चौहान और ग्राम प्रधान देवी प्रसाद यादव ने, आइए सुनते हैं। के ग्राम पंचायत में आज यहाँ गौ पूजन हुआ है। वैसे भी फुलवरिया एक ऐसी ग्राम पंचायत रही है जहाँ गौ सेवक प्रधान है और आप भी ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में लगातार इस गौशाला की निगरानी करते रहते हैं, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्राम प्रधान द्वारा, हमारे द्वारा गौ की पूजा की गई और हमेशा प्रयास रहता है कि गौशाला में अच्छा कार्य किया जाए जिससे कि गौ माता की सेवा हो सके। पिछले कई सालों की तरह आज भी आपने विधिवत पूजन किया है, गायों की वैसे भी सेवा करते रहे हैं, क्या संदेश देंगे इस बार की जन्माष्टमी पर? संदेश यही है कि हम गौ पूजा करते रहेंगे हमेशा और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आदेश भी है कि गौशाला के दिन अच्छे से गौ माता की पूजा किया जाए
इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। गौ सेवा का क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सबको करना चाहिए, गौ माता से बढ़ के और कौन सी सेवा है, माता या गौ माता, अब इनसे बड़ी सेवा किसका करेंगे हम लोग। आपके गौ सेवा के इस कार्य में ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह चौहान और पूरी टीम, चिकित्सकों की टीम लगी रहती है, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि ये लोग हमेशा हमारे गौशाला में आते रहते हैं और हर चीज़ पे ध्यान देते हैं और आदेश करते हैं, जो कमियां रहती है उसको पूरा करवाते हैं, यही सबसे। यह सब गौ माता की पूजा, मतलब ये है कि माता पहले पूजा होती है माता की, तो माता का मतलब ये गौ माता हो चाहे माता हो, आदमी कहता है गौ हत्या बंद हो, मगर ये कोई नहीं कहता गौ सेवा प्रारंभ हो। तो हम यह सभी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, गौ माता का रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें, यही से इस कर्म को बनाने के लिए यह कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन ना एक दिन निकलना पड़ेगा। तो यह कर्म है, यही माता की आशीर्वाद सदैव आपको कर्म बनाए रखेंगे, यही आपसे निवेदन करते हैं।